नीट की रजिस्ट्रेशन विंडो तो ओपन हो चुकी है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग की विंडो अभी तक ओपन हुई है? कहीं 50 लाइब्रेरी में हमारे यहाँ ऐसे हैं कि अभी तक उनके वही चल रहे हैं, चैट चल रही है फुल। समझ लो किससे कर रहे होंगे, कब पड़ेगा भाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, और के पोस्टपोन होगा पेपर है, ये कोरोना वाला त्यौहार दोबारा आएगा, पोस्टपोन ना होगा भाई, आ गया पेपर। मुझे तो ये बता दे कि क्या चीज़ रोक रही है तुझे, बता, गेम, पबजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, मतलब कुछ तो होगा जो रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से, या फिर तुम उनमें से हो कि जब बाबू थाना था उन पर तभी पढ़ेंगे, या फिर स्नैपचैट वाले हो कि हमारी तो स्ट्रिक ना टूट जाए इसका डर है। भाई साहब सिलेक्शन ना हुआ ना, घर वाले ऐसी ऐसी जगह तोड़ेंगे कि बैठ ना पाएगा सही से भी कई दिनों तक। सिर्फ एक चीज़ है जो तुझे पढ़ने से रोक रही है, तू खुद ही, तेरा दुश्मन है, तो या तू पहले खुद से लड़, खुद को हरा, बाकी सब तो अपना पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग आते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, एक दो घंटा बैठे पढ़ने उसमें भी पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, किताब खोल रखी और बैठे आराम से, और फिर कह रहे हैं कि हमारा तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो फिर क्या करते हैं वो, फिर जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब खोला, सर्च करा कि मोटिवेशन वीडियो फॉर नीट या कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, मतलब अब तुझे कोई दूसरा बताएगा कि तुझे मेहनत करनी है। अब ये ज्यादातर जो है अपना मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, गरीब परिवार से, ठीक है, मैं भी तुम्हारे में से हूँ, तो मुझे पता है कंडीशन क्या, तुम्हारे घर में मोटिवेशन है भाई, घर की कंडीशन देखना तो अपने अपने माँ बाप की आंखों में देख, तो ठीक है अपना मिल जाएगा मोटिवेशन। चलो भैया तो रुको इतने इतनी जल्दी मस्त हटाओ, ठीक है, बहुत बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं तुम्हारा। जैसे कि अब तक तो सबको पता लग ही चुका होगा कि नीट के फॉर्म निकल चुके हैं, और मुझे भी पता है कि उसके साथ साथ तुम्हारा दम भी निकल चुका है, और लग रहा होगा कि एकदम नीट का पेपर आ गया और कुछ पढ़ा भी नहीं हमने तो अभी, है ना, ये आ रहा होगा सबके दिमाग में, चाहे कितना ही सिलेबस पूरा हो तुम्हारा, ये जरूर आ रहा होगा कि भाई हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, एकदम नीट का पेपर आ गया, कैसे, मतलब होपलेस एकदम, ठीक है, एंग्जाइटी वगैरह ये सब चीज़ भरपूर आ रही होंगी तुम्हें। लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का वो ये नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि नीट के फॉर्म निकल चुके, जल्दी जल्दी भरो और अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो निकाल कर रख लो बहुत सारे, और एक A4 साइज़ का भी निकलवा लो, और अपने आधार कार्ड में भी फ़ोटो चेंज करा लो, और अपने हाथ पैर के थंब इम्प्रेशन तैयार रखो एकदम कि नीट का फॉर्म भरना है, तो भाई एक महीना है अभी, ठीक है, आराम से भर, जो तुझे निकलवाना है निकलवा, मतलब एज पर डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि जो ना सही में वो निकलवा के चले गए उसके पास कि भर दे भैया फॉर्म। मुझे बस ये बताना है तुम्हें कि नीट की रजिस्ट्रेशन विंडो तो ओपन हो चुकी है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग की विंडो अभी तक ओपन हुई है? हम माना कि यार कई बच्चे हैं ऐसे, कई एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि फॉर्म लेकर आएगा, भर देंगे उन्हें जब भरना होगा, वो अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे फुल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यार अभी तक, मतलब शुरू ही नहीं करा पढ़ना, देख लो लाइब्रेरी में बैठा हूँ मैं इस पर इस टाइम, तो कई बच्चे यार लाइब्रेरी में हमारे यहाँ ऐसे हैं कि अभी तक उनके वही चल रहे हैं, चैट चल रही है फुल, समझ रहे हो किससे कर रहे होंगे, ठीक है, और इंस्टा वगैरह मतलब सब चल रहा है, कब पड़ेगा भाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, और कि पोस्टपोन होगा पेपर है, कि कोरोना वाला त्यौहार दोबारा आएगा, पोस्टपोन ना होगा भाई, आ गया पेपर, मई में ही है, 5 मई का, ठीक है। मुझे तो ये बता दें कि क्या चीज़ रोक रही है तुझे पढ़ने से, क्या चीज़ रोकी होती, एक चीज़ मुझे बता दे कि भैया ये चीज़ है और मुझे ये पढ़ने नहीं दे रही, क्या है वो बता, गेम, पबजी हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, मतलब कुछ तो होगा जो रोक रहा हो तुम्हें पढ़ने से, या फिर तुम उनमें से हो कि बाबू ने थाना थाया वाला है कि जब बाबू थाना थाएगा हम तो तभी पढ़ेंगे, या फिर स्नैपचैट वाले हो कि हमारी तो स्ट्रिक ना टूट जाए इसका डर है। भाई साहब सिलेक्शन ना हुआ ना, घर वाले ऐसी ऐसी जगह तोड़ेंगे कि बैठ ना पाएगा सही से भी कई दिनों तक, ठीक है, स्ट्रिक तो दूर की बात है, नहीं तो मुझे एक रीज़न बता दे, बस सिंगल रीज़न बता दे कि ये रीज़न है और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, बता है कोई रीज़न, नहीं है ना, देख मैं बताता हूँ, सिर्फ एक चीज़ है जो तुझे पढ़ने से रोक रही है, जानना चाहता है क्या है वो, शीशा दे दिया जाए एक बार, लग जाएगी पता, देख गया कौन है, हाँ तू खुद है भाई, तू खुद ही तेरा दुश्मन है, ठीक है ना, यू आर अ ऑब्स्टिकल इन योर ऑन पाथ, समझ रहा है, तो यार तू पहले खुद से लड़, खुद को हरा, बाकी सब तो अपना पीछे छूट ही जाएंगे, खुद से तो जीत पहले। अच्छा कुछ लोग आते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, एक दो घंटा बैठे पढ़ने उसमें भी पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, किताब खोल रखी और बैठे आराम से, और फिर कह रहे हैं कि हमारा तो पढ़ने मन नहीं लग रहा, तो फिर क्या करते हैं वो, फिर जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब खोला, सर्च करा कि मोटिवेशन वीडियो फॉर नेट या कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, ये शॉर्ट चलती रही है, भाई साहब शॉर्ट ही चल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, किस चीज़ का मोटिवेशन ले रहा भाई, मतलब
अब तुझे कोई दूसरा बताएगा आके तुझे मेहनत करनी है अब? देख जहां तक मुझे पता है तुम सब ज्यादातर सब नहीं ज्यादातर जो है अपना मिडिल क्लास फैमिली से भाई गरीब परिवार से ही हो, ठीक है? मैं भी तुम्हारे में से हूँ तो मुझे पता है कंडीशन क्या है, ठीक है? अगर तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो भाई तुम्हें मोटिवेशन की ये यूट्यूब पे जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में ही मोटिवेशन है भाई, घर की कंडीशन देखना तो अपने अपने माँ बाप की आंखों में देख दो, ठीक है? अपना मिल जाएगा मोटिवेशन, मोटिवेशन पैर चाटेगा तेरे आगे पर। चलो ये तो हो गई बात है यार, वैसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या क्या गलत है, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम समझ सको सही और गलत में फर्क, ठीक है? तो मैं थोड़ी बस ऐसी बात करना आता यार तुमसे, तो अब थोड़ी देर ना सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो वैसे देखो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये तो सबको ही पता है। अब पिछले साल कितने 22 लाख के करीब 21-22 लाख के बच्चों ने भरा था फॉर्म, इस बार 25 लाख तो पहुँच ही जाएगा यार। तो टाइम बचा है बहुत कम और कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब ना पढ़ने वाले के पास तो भाई टाइम ही टाइम है, ना पढ़ने वाले के पास टाइम ही टाइम है, वो अपना रील देख रहा है कुछ भी कर रहा है जो छोड़ दो सो उसके कॉल पे, ठीक है? जिसे पढ़ना होगा पढ़ लेगा, लेकिन जो पढ़ने वाला है ना उसे पता है टाइम की कीमत क्या है इस वक्त, ठीक है? एक एक सेकंड उसका क्या है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस जिसे कहते हैं, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास जो है 3 तरह के बच्चों की कैटेगरी बन रही होगी इस वक्त। एक तो वो जिनका भैया सिलेबस जो है 50% से भी कम है वो भी कर रहे हैं मेहनत, हो जाएगा जो भी, और एक वो जो भैया जिनका 50% कंप्लीट हो चुका है उसके आसपास ही है, ठीक है? और एक वो कि जिसका लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है वो थोड़े दिन में अपना कंप्लीट करके रिवीजन मॉक लगाना शुरू कर देंगे। बहुत ही रेयर होगा कि जिसने अपना कंप्लीट कर लिया हो सिलेबस और वो अपना रिवीजन कर रहा हो, बहुत अच्छी बात है जो कि। लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी तुम्हारे वही 50% से कम सिलेबस या 50% के आसपास। अगर देखो तुम उनमें से हो या जिनका 50% से भी कम सिलेबस हुआ है तो तुम्हें क्या करना है? हाँ मेहनत करनी है ऑब्वियसली यार। इसमें क्या है? मैं तुम्हें ये थोड़ी कहूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें लिंक दे दिया कि वहाँ क्लिक करो, एक तुम्हें गोली मिलेगी उसे खा लो और पास हो जाओगे तुम पेपर में, हैं ये कहना हो मैं भाई? ये कंडीशन में काम दो ना तुम अपने ऊपर के तुम्हें ये सर्च करना पड़े कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ या इन 2 मंथ इन 15 डेज। भाई लोग ये भी कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 वीक, ये भी कर रहे हैं लोग, और उनसे ही बड़े वाले यूट्यूब वाले हैं, तरह तरह के क्रिएटर्स, ठीक है? सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जिन्हें तुम कह रहे हो, ठीक है? वो बना भी रहे हैं ऐसी वीडियो कि भैया एक हफ्ते में कैसे क्लियर करोगे तुम नीट, ठीक है? एक महीने में कैसे करोगे? अब देखो ये वो समय आ गया, अब फरवरी खत्म होगा, ठीक है? फिर क्या होगी कि 3 महीने में नीट कैसे क्लियर हो, फिर 2 महीने में, फिर 1 महीने में, भाई उसे छोड़ दिया जा पकड़ पा के कहले भैया मैं तो ये पेपर दिला ही जाऊँगा मैं, हैं क्या वीडियो क्या बना रहा है? तो भाई इन सबसे दूर रहो और सोशल मीडिया से दूर ही रहो। हाँ माना कि यार यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसे पता है उसे पता है, ठीक है? और वो फ़ायदा उठा भी रहा है उस चीज़ का। तो सिर्फ अपना भाई कंसंट्रेट, अपनी फोकस जो है स्टडी पर रखो, इस लेक्चर वगैरह पर रखो, तो बाकी का दोनों दोनों भटको तुम। तो अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनका भी सिलेबस 50% से कम है तो भाई जल्दी जल्दी मेहनत करो, ठीक है ना? सिलेबस को कवर करो और अपना पता देखो 11-12 फरवरी हो गई, कितनी है 11 फरवरी होगी शायद, बताने का वीडियो अपलोड होगी, तो 11-12 फरवरी मान लो, तो मतलब फरवरी आधा गया है तुम्हारा। अब मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई का है तो 2 महीने बचने बीच में, फरवरी गया पूरा, आधा आधा फरवरी में 2.5 महीना करीब बच रहा तुम्हारे पास। तो भाई जिनका 50% से सिलेबस कम है अभी उन्हें क्या करना है कि अपना मिड मार्च या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, ठीक है, कर दो कंप्लीट मार्च तक। अप्रैल में तुम्हें रिवीजन और मॉक करना है, ठीक है? हाँ माना कि 1 महीने में रिवीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन करना है टेस्ट के थ्रू करना है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो मार्च में तुम्हें टेस्ट देने लग जाने और रिवीजन करते रहनी है जितने तुम्हारा सिलेबस हो गया है, ठीक है? तो और तुम कहीं भी देख लो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी कि हाई वेटेज चैप्टर वगैरह सब तुम्हें मिल जाएगा, सब यूट्यूब पे काम की चीज़ देखोगे तो इजीली मिल जाएगी। फालतू की चीज़ तो तुम्हारे पास खुद आती है फालतू की, ठीक है? तुम उस पर क्लिक करते हो तो वही आती है, ठीक है? तो उन्हें ऐसा करना है कि अपना मार्च तक ख़त्म करें। लेकिन फिर आते हैं कि जिनका हाँ 50% लगभग हो चुका, 50% सिलेबस हो चुका है, उन्हें क्या करना है? ऑब्वियसली उन्हें मेहनत ही करनी है भाई, जॉब तक करते आ रहे हैं वो, तो उन्हें क्या करना है कि भाई फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के 1st वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ठीक है? और उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन और मॉक टेस्ट का।
तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब सबसे आसान काम पड़ेगा भैया जिनका 90% तक हो गया सिलेबस, ठीक है, उनकी रिविजन भी चल रही है साथ साथ पीछे की, और अपना 10% सिलेबस बचा है उसमें क्या करेंगे वो कि अभी फरवरी खत्म होते है भी भाई 15-20 दिन है ना फरवरी खत्म होने में, तो फरवरी में जितना हो सके खत्म कर दो अपना पूरा सिलेबस, ठीक है। मार्च अप्रैल दो महीने मिलेंगे तुम्हें, बढ़िया से रिविजन हो जाएगा, बढ़िया से मॉक टेस्ट लगा लोगे और ऊपर वाला बढ़िया सिलेक्शन दिखा देगा भाई। हाँ मजा आ जाएगा अगर ऐसी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे, डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ये नहीं तोड़नी है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, क्योंकि इस टाइम पे आके लोग हार मान जाते हैं बहुत ज़्यादातर, जैसे कि मैंने देखा भाई। हाँ हम ड्रॉपर हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा ड्रॉपर हूँ यार, चलो कई बार में बताऊँगा इस बारे में। तो अच्छा फिर कुछ प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन कह सकते हो, जो कन्फ्यूजन आ रही है वो रिड्यूस सिलेबस को लेकर आ रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास जो सहपाठी हमारे उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे भी हो रही है वैसे तो, ठीक है ना। मैं ये थोड़ी है कि मैं टीचर थोड़ी भाई, मैं भी तो तुम्हारे तरह ही हूँ, हाँ बस थोड़ा सा ड्रॉपर हूँ तो नहीं बहुत सारा हूँ। तो फिर कन्फ्यूजन देखो क्या आ रही है बच्चों में कि वो कह रहे हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें जो टॉपिक डिलीट हुए हैं या चैप्टर डिलीट हुए वो करें या ना करें, वैसे कि तुमने देखा होगा जैसे कि जेई का पेपर हुआ है अभी, तो उसमें प्योरली तुम्हारा न्यू सिलेबस के बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि मैंने वीडियो वगैरह देखी है टीचर्स के, तो उन्होंने बताया कि उसमें जो है नए सिलेबस पे बेस्ड ही जो है वो ही आया तुम्हारा, कोई आउट ऑफ सिलेबस या फिर जो डिलीट टॉपिक थे उनमें नहीं आया, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो करना क्या है कि भाई देख अगर तू ड्रॉपर है, एक तो फ्रेशर या फिर ड्रॉपर, फ्रेशर के लिए मैं कह नहीं सकता, वो अपना नए सिलेबस के हिस्ट्री को और चल रहे उसके हिसाब से, लेकिन अगर तू भाई ड्रॉपर है, बीइंग अ ड्रॉपर, अगर तू टॉपिक छोड़ रहा है डिलीटेड वाले, तो भाई मुझे लग रहा है तो गुनाह कर रहा है। नहीं देखो ये मेरा ओपिनियन है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि करो, तुम फर्स्ट प्रायोरिटी तुम उसे दो जो तुम्हारा नया सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट हो जाना वो तुम्हारा एकदम, फिर वो करना जो मैं कह रहा हूँ, मतलब करना मतलब मर्जी है यार तुम्हारी, करना मत करना, मैं बस एक बात बता रहा हूँ जो मेरे मन में थी कि अगर तुम ड्रॉपर हो, फ्रेशर की मैं कह नहीं रहा, अगर तुम ड्रॉपर हो तो यार जो चैप्टर या टॉपिक डिलीट हुए हैं क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि तुमने कभी ना पढ़े होगा टॉपिक, बताओ नहीं हुआ होगा, पढ़े तो हैं यार तुमने, ये तो नहीं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे, तो बस पहले नया सिलेबस जो है उसे कंप्लीट करके एकदम पूरा तुम नए टॉपिक सॉरी जो डिलीट हुए हुए टॉपिक हैं उन्हें यार एक बार देखने में क्या जा रहा है बताओ कुछ जा रहा है। मान लो जैसे कि फिजिक्स की बात करें, उसमें पोटेंशियोमीटर हटा रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पोटेंशियोमीटर गया, ठीक है, तो उसे देखने में क्या जा रहा है तुम्हें, कितनी देर लग जाएगी, पी वाई क्यू भर भर के आ रखे और उस पर बढ़िया आसान भी टॉपिक है, मैं नहीं कह रहा कि वो उसमें से आएगा ही क्वेश्चन, यार देखने में क्या जा रहा है। मान लीजिए जैसे कि बायो में चैप्टर है तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मान लो पोलन ग्रेस के बारे में दे रखा है, ऑब्वियसली दे रखा है, अगर उससे पूछ लिया कि पोलन जर्मिनेशन में कौन सा मिनरल जो हेल्प करता है बताओ, तो क्या वहाँ पे ये लिख के आओगे कि भैया ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तो तुमने डिलीट कर दिया था, कौन सुनना है तुम्हारी बताओ, और वो तो ये कह देगा कि भैया मैं तो इस वाले चैप्टर में से रिलेट करके पूछा है, उस वाले चैप्टर तो नहीं पूछा मैंने, वो तो डिलीट है, इससे रिलेट कर दिया, कर लो क्या करोगे, गया नंबर तुम्हारा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे मिल सकते यार तुम्हें, इनऑर्गेनिक देख लो जैसे कि एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारा, मान लो एस ब्लॉक का तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, हालांकि डिलीटेड चैप्टर है वो, उसमें से क्वेश्चन दे भी दिया और तुम अटेम्प्ट करके ना आए, ठीक है, किससे क्या होगे कि डिलीटेड वाला दे दिया, वो तो यूँ कह देगा कि भैया मैंने तो ये पीरियडिक टेबल में से पीरियडिसिटी वाला चैप्टर है उसमें से निकाल कर रखा है क्वेश्चन, पीरियड टेबल में आगे सारे ब्लॉक, उसमें से अगर उसने दे दिया तो क्या ही क्या कर पाओगे तुम, ठीक है, रिग्रेट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो भाई कोई हर्ज नहीं है ना पढ़ने में, पढ़ लो, हाँ तुम ऐसे चैप्टर छोड़ सकते हो जो कम्प्लीटली डिलीटेड है और इधर उधर चैप्टर से वो कोई रिलेशन भी नहीं रख रहे, ठीक है, तो यार कर लेना। और मेरी मानो तो जो सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उन्हें तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, चैप्टर के बीच में जो टॉपिक हटाए उन्हें तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, समझ में आ गई। बाकी यार तुम समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।